नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। किरण बेदी को लेकर दिल्ली भाजपा में बगावत। एक ओर दिल्ली भाजपा ने दिल्ली चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है, तो दूसरी ओर किरण बेदी को लेकर दिल्ली भाजपा में बगावत भी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि कुछ नेता किरण बेदी के व्यवहार से नाखुश हैं। दिल्ली चुनाव में किरण बेदी के प्रचार का काम देखने वाले नरेंद्र टंडन ने किरण पर अफसरशाही तरीके से काम कराने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। टंडन ने बेदी पर हुक्म चलाने और गलत व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। टंडन ने अमित शाह को चिट्ठी के माध्यम से अपना इस्तीफा भेज दिया है। भाजपा का केजरीवाल के खिलाफ नया विज्ञापन, आम आदमी पार्टी भड़की। भाजपा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर और विज्ञापन बाहर छेड़ रखा है। एक बार फिर दिल्ली के अखबारों में केजरीवाल पर हमले को लेकर भाजपा का एक विज्ञापन छपा है। भाजपा ने कार्टून वाला यह विज्ञापन केजरीवाल पर हमले को लेकर छपवाया है। इस विज्ञापन में टोपी और मफलर पहने एक व्यक्ति को राजपथ पर परेड के बीच खड़ा दिखाया गया है। साथ ही केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र का भी बताया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के विज्ञापन को जातिवादी मोड़ दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा ने पूरे अग्रवाल समाज को ही उपद्रवी बता दिया है। उद्धव ठाकरे ने अफदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी दी। हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले MIM पार्टी के अध्यक्ष अफदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अब शिवसेना ने आक्रामक रुख अपना लिया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ओवैसी को हिंदुओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलने की कड़ी चेतावनी दी है। साध्वी प्राची का एक और विवादित बयान, 35-40 पिल्ले पैदा करने वाले फैलाते हैं लव जिहाद। हर हिंदू महिला को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देने वाली विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया है। हालांकि अपने पहले दिए गए बयान की सफाई में अब साध्वी ने कहा कि मैंने 4 बच्चे पैदा करने के लिए कहा था, 40 पिल्ले नहीं। प्राची ने किसी समुदाय विशेष का नाम लिए बिना कहा था कि ये लोग 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं फिर लव जिहाद फैलाते हैं, इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन मेरे बयान के बाद इतना बवाल मच गया है।